Chhattisgarh, the central region of India, the rice bowl of India. The reality is that this land not only abounds in rice, it is also rich in forests, precious minerals, industrial belts, education, art, literature, music and culture. Chhattisgarh is the maternal home of Kaushalya, mother of Maryada Purushottam Lord Shri Ram, who is the Treta Yuga incarnation of Lord Vishnu. This region was known as Dakshin Kaushal in ancient times. Much folklore can be found in Chhattisgarh, which are sung in rich styles of folk songs. These include timeless stories of love and rich content from Puranas that are rooted in human values. The story of Mahabharata is sung and narrated in the Shruti tradition of India. The name of the style in which the story is narrated is known as Pandavani. The master of this style is the world-famous singer Padma Vibhushan Tijan Bai. ऐसे है मैं तो पहली पंडवानी गायत एलत खुदे नहीं जानत रहे हूँ लड़का जात में लड़का मती खेलना कूदना यही हमार काम रहा है तो मैं कबड्डी खेल के आए रहे हूँ लड़का मन के संग में हमार संगवारी मन के संग तो चिखला सुनाए रहे हूँ मामोला देखी ऐसने में खावे खाना थे जा जल्दी नहर जा नहर में हाथ पाँव धो खावे ऐसे के तो गुनगुनावा तो आवत रहे हूँ तो नाना के आवाज़ सुने द्रौपदी श्री कृष्ण जिला जोर से चिल्लावत है उसने आवाज बाबा का निकली से और मोरे बदन अजीब से घुरघुराए लग गए तो मैं कहते ये चिल्लावत है और मोला कैसे लगा थे तरा ये सुन तो ले काए तब भगवान कृष्ण जी आई और बदन में पितामर पुरोहित और बत पुरोहित से कि बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय कीजिए बंद कर दी अब मैं झाँक के देखे दिए छोटे से दिया जलत रही थी तो वो बिस्तर ले झर्रावत रही से सोए बर मैं कहते सोवत है पर कतेक सुंदर की सही से की के जाके हाथ पांव धोए और फिर आ गया हूँ जितका धुर के बात ला सुने रहे हूँ ते मोर मल्ल निकलबे नहीं करे मतलब ये रोज के तम एक तारा बजते होकर तेला मैं आता हूँ तो सुनता हूँ तो ये बाबा कतका बेर की थे कतका बेर का कर थे ये मोला पकड़ना है मैं खेल कूद लब बंद कर दिया हूँ तुझे मना ही चल ना खेल पर कबड्डी कीजिए मैं कह नहीं जाऊँ मैं हमारे हाथ पाँव पिरा थे अब बेचारी मन चल दी अब मैं कान लगा के नाना के एक तारा के आवाज़ सुनना रही बोला बस बजी से अब मैं चुप्पे चुप्पे आके अब दरवाजा ये दे ये मैं बैठ गया हूँ काका कथे कीजिए फिर वो मैं सब पातला बोल बाल के अब फिर कथा शुरू करी कम से कम मैं छुप छुप के सुनत रहे हूँ तेह एक हफ्ता हो गए अब एक हफ्ता हो गए कथा सुनत हम एक दिन में पकड़ा गए वो मने तमूरा मड़ईस अब कोने हल्का बारिश रही से तमूरा मड़ईस अब बाहर निकल गए अब बाहर निकले देखे तहाँ ऐसे कर दे अब वो तब होल वाल सियान आदमी बोला भांसी सोई कोनो है कि क्या तब वो कोना सही से कहा मैं कर रहा हूँ तो वो क्या कहते छेरी बकरी है तो नाम नहीं है तब मैं अपन नाम ला बताया हूँ तो काबर मारिश का डाटिस को नो कैसे लुकाए हस छुपा छापे खेला था नहीं खेला तो महामारिश का नहीं मारा है तब दोनों बात ला पूछिस नहीं मारे नहीं छुपा छापी खेला था बात सुनी तो वो जोर से चिल्लाई फिर ये मेरे काबर बैठे है तब मैं कहता हूँ ते कथा कथस नहीं कहानी कथस ते कहानी सुनता हूँ ऐसे की के कब के और द्रौपदी चीर हरण के दिन के सुनाता हूँ फलाना वही ढिकाना वही मैंने एक हफ्ता के कथा ला मैं 5 मिनट में कही के कुड़ हो दे पंडवानी इट इज एन आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पांडवास डिसीटफुलनेस ऑफ कौरवास
and the bravery and combat skills of Mahabharat. सच में मैं अब बड़ डांटे हूँ। हाँ भाई, मैं आप बार बार घूर के देखत रहे हूँ। हाँ। एकर से थी हमला छोटे बहनी समझ के क्षमा कर। भगवान कृष्ण के थे। हाँ। अरे बहनी के अच्छा बात ला। हाँ। भाई यदि गलत समझ जाए। हाँ। तो अच्छा बात नहीं है। पर मैं एकर से थी आए हूँ ये मई के। अच्छा, अच्छा। तो ससुराल तक। आओ भाई। तब चले के तैयार। There are two distinct styles of Pandavani singing in practice, Vedmati and Kapalik. Vedmati is the style that is scripture-oriented story narration in sedentary posture. Jharuram Devangan, Poonaram Nishad and Ritu Verma are proponents of the Vedmati style. In the Kapalik style, the story is narrated in the scripture-oriented manner from a standing posture. However, this style espouses a more dramatic performance in addition to imaginative method. फरक कुछ नहीं है, कथा सब एक के थी। हाँ। कहे के ढंग बैठ के किबे, अब बैठे बैठे तो ऐसे होई सो होई सो होई सो होई ऐसे बता जाऊं है ना। उसने महाभारत ला बैठ के बताते। और कपालिक शैली में एक तो कल्पना, दूसरा बात चल के भीम कैसे चलीस, भीम कौन ला कैसे मारीस। हाँ, द्रौपदी चीर हरण होवा थे तो द्रौपदी चीर हरण में दुशासन तो खींचा थे, पर द्रौपदी कौन तरीका घूमा थे। हाँ। हम घूम के बता, मूवमेंट करके बताए। हाँ। तो बताए बताए में अलग अलग फर्क है। अब ये वेदमती और कपालिक शैली के बात भोपाल मीटिंग में चर्चा हुई। झाड़ूराम पुनाराम और चेतन देवांगन गाथे हैं, ते हा वेदमती है बैठ के गाथे। हाँ। और तीजन भाई जो काम कर रहे थे ते हा कपालिक शैली, मतलब कल्पना है में। The artist of Kapalik style of Pandavani, who has performed in both India and abroad in various fora and festivals of repute and has earned global acclaim, an artist who has become a living legend, is Padma Vibhushan Tijan Bai. Paris Gheon. पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मन, लंदन, टूनेशिया, माल्टा, साइप्रस, तुर्की, बांग्लादेश, मॉरिशस, इटली, रमन, 8 बार पेरिस जा चुके हूँ। अब बाद में छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में हूँ। संजय हैड नरेटेड टू धृतराष्ट्र द आई विटनेस अकाउंट ऑफ ओनली द वॉर ऑफ महाभारत। तीजन बाई हाउएवर व्हाइल नरेटिंग दिस एपिक टू अस tells us about the story preceding and succeeding the Mahabharat. Devi Dwapati, dono haath jod ke kathe Maharaj mula ulta pulta sharab mile. Mil gaye. Aise ulta pulta mile sharab. Arey baat aise ghuma de hai ki main nari jaat par jara lajja bas hai. Par kya karun? Mula aisa pati chahiye. Kaise? धर्मात्मा। हाँ, ओ मस्तु कथे मोला ऐसे पति चाहिए बड़ा ताकतवर वीर सभा, जैसे हनुमान जी के ताकत वैसे। शंकर कथे ततायस्तु। देयर आर नो फ्रिल्स और स्टेज्ड ऑस्टेंटेशंस इन हर प्रेजेंटेशन। ऑल्सो देयर इज no requirement of changing the costumes or makeup. Nevertheless, when we watch her perform Pandavani, we are transported to a fantasy world where all the characters of Pandavani become alive. The imagination of audience
of Pandavani starts roaming in the palaces and buildings of that era. They transform into subjects and members of the royal court. It's as if all the narrated incidents are taking place in front of the enthralled audience. 18 parv mein sabse bade parv mar liye koi kami koi zyada nahi lage sab acha lagte hain Bhimsen ke role bataye main ati khushi ho jata hu main ki sachmuch mein main Bhim ban gaya. Then she is on the stage. She has within her many characters of the epic. As the story unfolds in Pandavani, the characters of Mahabharat roll out of her one after another. On one moment, she is Yudhishthir. In the next, she is Arjun and then Bhim. She moves from one avatar to another. गदाधारी भीम अच्छा उठा हाथ में गदा और कौरव दल के अंदर में मचलाता भीमसेन चला ना लागे मैया बताओ भाई वही समय कर बोला भाई का बताओ मैया कैसे राजा बोलेगा. द तंबूरा इन द हैंड्स ऑफ तीजन बाई सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस ड्यूरिंग द नरेशन. इट इज द सेप्टर इन वन मोमेंट स्वॉर्ड इन अनादर अ बाउ एट टाइम्स एंड समटाइम्स अ मेस. जो चीज ला मैं करता हूँ पर डूब के करता हूँ. जब तक ले उकर मन के आत्मा में डूबे नहीं तब तक ते हैं कोनो लने डुबाए सकस. कथा में ये गुण है. ऐसे तो कथा हर जने की से पर कहे कहे के अलग अलग ढंग रहते हैं. अब मैं वो समय कैसे डूब जाऊँ मैं खुद नहीं जान सकूँ तो आप मला का बताऊँ. It may otherwise require a time machine to travel back thousands of years back in time. However, when Tijan Bai strums the strings of her tambura and gives the victory call, we get transported back in time by many centuries holding the finger of the call of Tijan Bai. Here we meet the characters of Mahabharat. We can say that she makes us a visionary, one who can see the era of Mahabharat. Tijan Bai was born in Atari village close to Patan, Chhattisgarh to father Chun Kulal Pardhi and mother Sukhbati. Nana Brijlal Pardhi was her guru who taught her the art of Pandavani. अब गुरु कहा थे कुछ कहा मोर नाना छरे. अच्छा काबर की अभी जो तुम शूटिंग करे थो ना ये मोर यही जगह में के बात है. अच्छा यही जगह में यही मोर नाना के घर है झोपड़ा रही से ओ मैं यहाँ घर बनाए हूँ. अच्छा और ये ममियारो गांव है जन्म मोर अटारी पाटन है. अटारी पाटन लगे हुए हैं यहाँ मोर जन्म है पले बढ़े हूँ मैं गनियारी में.
अच्छा। और सीखे भी हूँ गनियारी में, हाँ। अभी रहत भी हूँ गनियारी में, तो ममियारो गांव में मैं हूँ, हाँ। यही मोर सब कुछ है। तीजन बाय इज अ लिविंग एपिटोम ऑफ स्ट्रगल, द कौरवास ऑफ एडवर्सिटी एंड माइजरी ट्राइड रिलेंटलेसली टू डिफीट हर इन द महाभारत ऑफ लाइफ, बट हर पांडवास लाइक रिजॉल्व्स kept inspiring her to move forward. गुल परीक्षा दे बर तैयारी करें तो वो कहे कि पांच पद गा दे, तो ठीक है कि गाय पर शुरू करें तो ये अच्छा कि चक बंद करत रहे हूं, मुटका मारे भर ऊपर उठाए और गिरे नहीं है मुटका पर इस मोर माँ के जहाँ पड़ तो मैं कहा के तो मैं अपना आप मार दे रहे हूँ कहा से कि तो जब गाड़ी देना शुरू करीस ना मोर बबल पहली गाड़ी नानल पहली गाड़ी दीस ते बे बाढ़े बाढ़े बेटी ला ऐसने सीखोबे ससुरार कौन लेगी ते बिहा कहाँ लोगी ऐसे तैसे गाड़ी देना शुरू करीस। अब एक झपड़ मार खाए हूँ, अब खाए के बाद मैं माँ के संग मत चल दे हूँ, जाए के बाद कहे नाना भाई यहाँ तो यहाँ तक कथा कही दे रहे हूँ और माँ मोला तो मुरा धरे में मारे है ना मैं नहीं रहा हूँ ऐसे की मेरी सा के बैठे रहे हूँ। तीजन बाई गेव हर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन अ विलेज नियर पाटन, शी रिसीव्ड अ पाल्ट्री सम ऑफ 10 रुपीज एज ऑनरेरियम। वो आके पूछते कहते नो नहीं हरे पंडवानी गा थे ये हरे ये हरे ये हरे ऐसे की के अब बिल हो रहा था ना मन अब बतावत नहीं मैं हरा हूँ कि यो हरे की के तो हमारे एक जन बाबा गे रही जगर संग गे रही ते हैं कथे कोई नहीं गावे ये बिल्ली गाथे ऐसे की मोला तो हाँ ले हाँ नोनी ते गाथा तो गए तो मुड़ी गड़िया के हाँ हाँ खाता हूँ अब वो बंगाली ले 10 रुपया निकाल के मोला थमा दी। The journey of Tijan Bai that started from a small village had as stopovers innumerable institutions of international fame and fora of repute. बताए माँ वो मतलब जानकारी मेरे वो कमी नहीं हो गए वो मतलब जितके बेर हंसना है उतके बेर हंसी ही जितका बेर ताली बजाना है उतके बेर ताली बजाही जितके बेर मतलब किलकारी देना है उतके बेर किलकारी मारी है मतलब ऐसा डिस्टर्ब नहीं करे लोग कथा गाथन तो ये ती जाथन वो ती जाथन तो जनता मन ये तरफ वो तरफ वैसे नहीं बड़ा प्यार के साथ बैठते और कलाकार ला बहुत सुंदर आदर सत्कार करते वो में कोई दुमत की बात नहीं है। देर यूज टू बी नो स्पेशल डेकोरेशंस और एक्सटेंसिव लाइटिंग अरेंजमेंट्स इन द टाइम्स व्हेन तीजन बाई हैड बिगन हर जर्नी ऑफ पंडवानी। जाके देखते हैं तो स्टेज बने ये चादर ला सोलापुरी चादर ला डाले रहा है चार ठक खम्भा बना के और स्टेज बनाए रहा है। द पीकॉक फेदर वॉज नॉट पार्ट ऑफ द तंबूरा इन द अर्ली डेज। तीजन बाई विल टेल अस हाउ एंड व्हेन डिड पीकॉक फेदर केम टू अडॉन द तंबूरा। एक जन डोकरा के तंबूरा रही तेला सतनामी पारा के तेकर तंबूरा मांग के लाए रही ने मोर पंख नहीं रही से तो दाऊ कहते मोर पंख बिना अधूरा लागत है एक दिन गाय दूसरा दिन गाय तीसरा दिन बार मोर पंख लाई और ला के लटकैस जी जी हाँ अब मोला तो तंबूरा बांधे लावे ना का स्वर धरे लाए ना कुछ वही मन स्वर धर के देवाए बजावा भर ऐसे करके काम करें हम। महाभारत divided into 18 chapters or parvas is delivered by Tijan Bai in an impactful mode with lot of liveliness and passion which is unaware of. Tijan Bai says there is some divine power which guides her to perform Adi Parv, the book of beginning, the first chapter in Mahabharata to Swargarohan, the last chapter. साथ देना इंसान के बस के बात नो है भगवान कुछ साथ देते हैं तबे हो सकते हैं। आदि पर बोले लेके स्वर्गारोहण पर्व तक कथा जानना कहना बिना पढ़े लिखे बोले मालिके साथ देते हैं भगवान के अलावा कोई साथ नहीं दे सके।
In Pandwani, she loves to sing and praise the character of Bhim. Kurukshetra mein mat rahe ladai. Bhim sen ek nahi do sen chhatri le pachhad zameen mein pachhade rahe. और वो चिल्ला के बोले बचाओ कोई है बचाओ, पर वहाँ है कौन बचाने वाला। दुशासन अपन रथ ले कूद के और दौड़ा दौड़ा जा के झपा गए। अरे मैं तो सोचत रहे हूँ ये बाहर ले कोई पहलवान ले आए करके, पर नहीं, ये तो गदाधारी भीम भाई आए। इसने एक दुर्धन आदमी ला महाराज जाए तो हमारे सेना बचने वाला नहीं है की के। दुशासन चिल्ला के कहते जी ए भीम, सेना के साथ लड़ाई करने में कोई फायदा ना आई, यदि आपको लड़ना है तो हमारा साथ लड़िए। भीमसेन मुड़ के देख के कहते दुशासन, आज 17वां दिन के लड़ाई है, पहला मेल मुलाकात हो है। ठीक है, वो मल्ल कहते छोड़ के, कहे भैया तुम लोग जाओ, तुम्हारे हमारे कोई दुश्मनी नहीं। अरे जो दुश्मन है वो पीछे खड़े हैं। गदर धर के भीमसेन कहे बोलो बोलो दुशासन, हमारे साथ लड़ाई कैसे करोगे। दुशासन बोले भैया मैं गदा युद्ध नहीं करके, बांतर करके लड़ाई नहीं होगा। बोले काल होगा फिर कैसे लड़ोगे। तो दुशासन कहे मल युद्ध। भीमसेन हंस के बोले वाह भैया वाह, क्या मैं मल युद्ध में कमजोर हूँ ताकि मुझे मल युद्ध के लिए ललकार रहे हो। ये कहकर भीमसेन गदा छोड़ दिन, दुशासन भी गदा छोड़, दोनों जंघा पीटे अंब लगा हाथ उठा के दुशासन ले पछाड़ के। बोल तो वृंदावन बिहारी लाल की। हाउ इज शी एबल टू कम्युनिकेट द पंडवानी संग इन छत्तीसगढ़ी टू द ऑडियंसेस फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इन आंसर टू दिस क्वेश्चन शी सेज, इसे छोटे छोटे कॉपी बनाए रहे थे पूरा कथा के उकरमन के बोली भाषा में। और वो कथा मतलब कथा शुरू हो ही ना तो मैं पीछे मोर पीछे तरफ को लिखावत जाते वो मल्ल पढ़ी। और पढ़ के वो मन जो मैं खुशी मनाते थे मैं ताली बजाही। अब सबसे बड़ी बात नहीं समझे ऐसे नहीं, जोन जगह मोला एक्शन बताऊँ तो खलखला के हंसी। जैसे मैं भीम के रोल करो तो तब मोरा उठाओ तो खुशी हो जाते। मैंने वो मतलब पूरा पूरा पता है कथा, हमन कथन को मन नहीं जाने पूरा जानते। और ओकर मन के भाषा बोली में तो हमन ना तो हमला इंग्लिश आवे ना ओकर फ्रांसीसी आवे ना तो मन हिंदी समझे, तो हम तो मात्र छत्तीसगढ़ी में गावत रहे वहाँ। ऑन द रिएक्शन ऑफ द लेडीज from foreign countries on her traditional jewelry from Chhattisgarh, she says, पहने रही थो तला तो मन देखते हैं। अब देख के मतलब मैं बोलूँ का ये कर धन है तो मन समझ ही था तो यह का ये कहते बड़े बड़े पहने रही थे तोड़ा तो ये कहते तोड़ा है तोड़ा ऐसे कहते पहन दे इसे कि पहरावा मैं पहना दूँ तो वो बाबा बाबा निकाल 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 इसे कही थी। मतलब समझते ये इनकर मन के सिंगार छत्तीसगढ़ का सिंगार है, नारी का सिंगार। अब खाली समय इसने रह रही था, अब स्टेज जाए के समय पूरा तैयारी हो था तब जान जाते कि यह स्टेज के गहना है। तीजन बाई लुक्स रेडियंट एंड ब्राइट विद द सक्सेस ऑन हर फेस, बट शी इज सिंपल नेचुरल एंड अनडिमांडिंग विद चाइल्ड लाइक इनोसेंस। अते अच्छा आदमी हूँ ते कहीं बात ना समझो नहीं है उल्टा पुल्टा बोल रहा था। व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड शी फेस्ड लॉट ऑफ फूड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, बट शी इज यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट ऑन हर ओन विदाउट मच फस। भोजन तो डबल रोटी के अलावा दूसरा तो खाना बनबे नहीं करे, और मन चावल बनावे नहीं ना चावल पकाए लावे नहीं, सिर्फ वो डबल रोटी चबाओ दिन भर पड़े रहो। पर हमन का पालती धर के जाथन ना तो खाना बनैया भारत ले भेजते, वो वह खाना बनाते एक जगह खाना बनैया था हमारे मन के संगेरी से खाना बनाए बर तो तब खाबो दाल चावल रोटी, और नहीं तो वो मन दाल चावल रोटी नहीं जाना है। दिस डॉटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज रूटेड टू हर वैल्यूज even after being gained so much of popularity and recognition from all over the world. She finds her traditional food, stale rice and sauce, chutney,
more satiating than any other cuisine. Basi, bhaji, chutney, वो मतलब बहुत पसंद. मैं अभी भी हर प्रकार के चटनी बना के रखता हूँ घर में, है ना. तो ला मैं बिना खाए मोर मन नहीं मारे. और सबसे ज़्यादा बासी अभी भी मैं तुम्हारे संग चर्चा करत हूँ, बासी चटनी खा के बिना बासी खाए मुला चैन नहीं आवे. द प्रैक्टिस ऑफ टैटूइंग इज वाइडली प्रिवेलेंट अक्रॉस छत्तीसगढ़. इट इज a form of body art practiced mostly by women on women. ye shaadi ke baad ye manla na ye bua ma badi ma ye man likhte au yela baha bauta ka the kabar ki ihu dhane de goda hai ihu dhane de goda hai ye de goda hai upar mein goda hai ye ये ला गोदना गोदाली तब फिर ससुराल भेजते. अच्छा. यह ससुराल के साथ में ये गहना जाते. मैंने कुछ नहीं जाही तो नहीं जाही, ये तो जीवन भर रहते. ये गहना मतलब बुआ बड़ी माँ माँ ये मना है अपन अपन आशीर्वाद के स्वरूप आशीर्वाद के रूप में ये ला गोदवा थे. अच्छा. ये गोदना हमारे छत्तीसगढ़ की एक पूरा पहचान है. Tejan Bhai was felicitated with civilian decoration and honor of Padma Shri on March 19, 1988 for underscoring her priceless contribution towards giving global recognition to Pandwani, the folk art of Chhattisgarh. Dekho, main pehli Padma Shri के अवार्ड मिली तो मोल खुदे पता नहीं रही से. मारा ये इलाहाबाद गए ना तो वहाँ के कार्यक्रम दे बर जात रहे हूँ इलाहाबाद. तो वहाँ के मन हाँ पहले दुआरे में गेहूँ तब स्वागत करीन बधाई हो पद्मश्री तीजन भाई की एकदम याद बबूला हो गए. अरे पद्मश्री तीजन भाई की तो पद्मश्री का बल लगावा था. मतलब वो भर नाम देवत हो तुम. नहीं नहीं आज के पेपर में आए हैं देख ले इसे की के. तब हम वो पढ़ के सुने आ पद्मश्री बोल हु इसे की के. मैंने पात का धुरी अलग पढ़ डरे तो हाला बेटा मेरे पद्मश्री लगा हो इसे की क्या हमने. अब बड़ कटहल की हंसे है भगवान तो लोग कौन से मिट्टी बनाए भगवान होते पता नहीं है इसे की के. तब बोले बोल बोल के पद्मश्री पद्मश्री अच्छा नहीं लगा बोलगा ये मतलब चेताबे इसे की के कौन चेता सके सही मिले है. हाँ हाँ. तब डायरेक्टर रही सब कर स्टेज के. हाँ. ते हम दिल्ली गए रही सब दिल्ली रावत रही से. हाँ. अरे जेला पद्मश्री मिले है तेहत हमारे स्टेज में आज काम करी. हाँ. ऐसे की वो आवत रही से. हाँ. तो कम से कम 8-9 बजे रात के आ गए. When we talk about Pandwani, she is an institution in herself. It is precisely for this reason that many universities have awarded her the honorary degree of D.Litt. I say सबसे पहले मोला दिल्ली की उपाधि बिलासपुर ले मिली. अब मिले के बाद में बोला झोंक के आ गए. आए के बाद कुछ दिन के बाद रायपुर ले D.Litt की उपाधि मिलना है. तब मैं वो मल्ला कहा कहता हूँ देख भैया मोला मिल गए बिलासपुर ले वो D.Litt को उपाधि ले दूसरा दे दे. तो वो फोन में ऐसा हंसे अब्बड़ हंसे. वो कहते माँ एक बात सुन मोर बात ला सुन बेटा ऐसे के पहले मैं कहते बोल का बात है के हम. वो कहते ऐसा ऐसा D.Litt को उपाधि है तोला 10 ठन मिली 10 ठन तोला तो एक ठन मिली है दे दूसरिया मिले जाते. तब मैं कहता हूँ अच्छा ऐसा बात है तले झोंके बरा झोंके बरा जाऊंगी हम. She was felicitated with Padma Bhushan on April 3rd, 2003. Padma Bhushan मिली तो एमडी मतलब फोन में बात करी एमडी तीजन भाई से बात करा दो की तब. अब मैं बात कर रहा था मैं नहीं सुने हूँ पद्म भूषण मिला तेला तो नहीं नहीं सर
पद्म भूषण नहीं मिला थे तो काय मिला थे दिलीप मिला बिलासपुर लिखा तो वो कहते दीपक करे है का किसी हाँ ये भैया हवे कहा था ओला दे फोन की सर बात करूँ कहा ओला दे वो बात करे अरे बोला समझा भैया अब अभी वो कर कागजात लमोर कला में तुरंत भेजूँ दिल्ली ये तो डॉक्टर को उपाधि मिला थे मोल पद्म भूषण नहीं मिला था समझाओ लगी हाँ सर हाओ समझाऊँ सर हाओ अब भी लाऊँ सर हाओ कि और मड़ाई ते तो मोर खुर्सी खा देवे तैसे दीदी ते मोर खुर्सी खाबे ते तैसे लागते मैं कहा खाऊँ सही बताता हूँ का मैं पद्म भूषण की कहा देता मैंने कहाँ मिले ए डिलीट कर जाना था उससे कि चुप्पे क्या प्रभामन करा था तब भीम के कागजात लाने पर फिर तुरंत के चल तो चल चल दीदी वहाँ छोड़ और पूरा कर कागजात ला धर के लाबो है और मैं धर के जाऊँ उससे कि पद्म विभूषण on March राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई कला लोक संगीत। Although Tijan Bai could not get formal education owing to difficult circumstances in her family, the school of life taught her many lessons. 270 बच्चा में एक जन मोर नाती है वो चार के पांच जगह हवे नाती हैं पांच जगह कार्यक्रम दे चुके हैं अच्छा नाम चुनाव है बछरू एक जन ते तबला मास्टर बना थे अच्छा ऐसे काम में लगे रही था। लॉन्ग बैक शी हैड गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिसाइट इन न्यू दिल्ली फॉर द पर्पस ऑफ पंडवानी रिसाइटल। तीजन बाई टेल्स अबाउट एन आर्टिस्ट देवदास बंजारे व्हाइल रिकॉलिंग एन एपिसोड ऑफ दोज डेज। मोला बोला के यहां लगे रही से दिल्ली अशोका होटल के नीचे में प्रोग्राम देना मन रोज प्रोग्राम देवन अब रोज प्रोग्राम देवन तो का हो सो ऐसन पेपर में आवा ऐसन पेपर में आवा ऐसन पेपर में तो झाड़ू राम कुना राम रही ने टूरी जाते थे कर से अब्बर पेपर में आते
हमल ला नहीं देवा है टूरी जाते मैं कहता टूरी जा समझो कि टूरा जा समझो तब मैं दिल्ली ते हफ्ता भर दिन मैं दिल्ली में होकर संग्रह हूँ हबीब तनवीर अ रेनाउंड प्ले डायरेक्टर हु अर्नड नेम एंड फेम फॉर छत्तीसगढ़ एट इंटरनेशनल लेवल इन द फील्ड ऑफ थिएटर was a fan of Pandavani recital of the internationally acclaimed artist Tijan Bai. Oh, to man Nandgaon mein program la har stage mein dekhe. Nandgaon mein program chale to har stage mein dekhe aur har stage mein 20 rupaye paisa chahave apan naam mein. To ye Habib Tanveer aaye kaun jin la main dekhe nahi hu kar paisa bhara the. देख लेते हूँ दर्शन कर लेते हूँ भाई वो हर स्टेज में 20 रुपया चढ़ाते हैं अपन नाम ले बताते तब वो चाय पिए बन जाता हूँ तो चाय पिए गए तो हाँ यही तब वो कहते हबीब तनवीर में ही है रहूँ ऐसे कहते तो उससे ना टाइप के दुबला पतला रही से अरे मैं कहता बैठा ना के हम नहीं आप मन के नाम सुनता हूँ वही जो है हर स्टेज में हर दिन पर मैं देखे नहीं हूँ पैसा दूसरा मराए लाते हैं ऐसे कि तब बोल कहात रहे हूँ आग्रह करत रहे हूँ कि कौन आदमी है जो हर स्टेज हर जगह ये मतलब भेंट करते ऐसे कि क्या तेकर सेती बोले रहे हूँ तो कोनो बोली नहीं आप मल्ला के हाँ बोले तताए हूँ ऐसे कि तीजन बाई इन हर चाइल्डहुड यूज्ड टू विजिट द विलेज फ्ली मार्केट हाट बाजार विथ अ ग्रैंड मदर एंड मदर फॉर सेलिंग हैंडमेड ब्रूम्स एंड मैट्स Today, she is a mother and a grandmother, but even today, she is skilled in the art of making brooms and mats. अभी भी हम झाड़ू बना लेते हैं, चटाई बना डरते हैं, और पहले सीखे हैं तेरा छोटी छोटी। हमारे बहु बेटी मतलब नहीं आवे कोनो ला, मैं बना लेता हूँ। अच्छा। छीन पत्ती काटेल जात रहे हूँ। हाँ। मतलब लड़का जात के पूरा काम कर लेते रहे खेती बाड़ी से लेके सब चीज भाड़ा बांधना गाड़ा फांदना खातु भरना खेत में पलोए भर जाना ये सब काम कर लेते रहे तीजन बाई हैज नॉट रेस्ट्रिक्टेड द आर्ट ऑफ पंडवानी टू हरसेल्फ शी इज डिसेमिनेटिंग दिस आर्ट टू द पोस्टेरिटी सो दैट दिस प्राइसलेस आर्ट फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ कंटिन्यूज टू प्रॉस्पर मैंने अभी तो उतके हो है अभी ये लॉकडाउन हो गए ना तेकर मारे कोई बच्चा नहीं आए ठीक हाँ आते तब सिखाता हूँ ये तो मोर काम है जी 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 और सुनाना और सुनना तभी तो आगे लेके मन बढ़ ही ना नहीं सिखाबे तो कहाँ जी 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 कलकत्ता वाली है मरसेश है अब ये कौन घर काम गए हुए थे तो कलकत्ता से कलकत्ता से आते हो बहुत सुंदर गाते बिचारी तो ऐसे दो चार जन गाने वाले अच्छा गाने वाली मन तैयार हो तीजन बाई अपनी इस विधा में पूरे देश में अपने ढंग की एक ऐसी महिला है जो अकेले मंच पे खड़े होके न जाने कितने पात्रों को संभव करती है और हर पात्र जब उनकी देह के जरिए उनकी आवाज़ के जरिए सामने आता है तो हमको यही लगता है कि ये तीजन बाई नहीं ये तो भीम है ये तीजन बाई नहीं ये तो गांधारी है या ये तीजन बाई नहीं ये तो कोई और है जबकि ऐसा होता नहीं वो अकेली तीजन बाई होती है लेकिन ये उनका सम्मोहन है और ये उनकी अपनी परंपरा और अपने परिवेश के साथ अपनी मेहनत से रचा हुआ एक ऐसा फॉर्म है जिसको आम बोलचाल में हम पंडवानी या पांडवों की वाणी कहते हैं और अकादमिक भाषा में हम उसको कापालिक यानी कल्पना पर आधारित एक फॉर्म कहते हैं तीजन बाई इस प्रदेश की न सिर्फ एक धरोहर है वरन एक पीढ़ी के लिए भी तीजन बाई सीखने का एक अपने किस्म का नया उदाहरण है तीजन बाई ने इस लोक नाट्य की परंपरा को कुछ अलग ढंग से समृद्ध किया छत्तीसगढ़ की महिलाएँ अत्यंत सक्षम और अत्यंत स्वतंत्र और स्वायत्त अपनी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं और तीजन बाई ने अपनी इस स्वायत्तता को इतनी स्वतंत्रता को अपनी नवाचारिता को पंडवानी में
में उसको इंट्रोड्यूस किया, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो दूसरी लोक गायन की परंपराएं रही थी उन लोक गायन की परंपराओं को उन्होंने पंडवानी के मूल स्वरूप में जोड़ा और इस तरीके से उसका नवाचार रूप देकर एक बड़ा विस्तृत दिया, जिससे कि काफ़ी वो लोकप्रियता आई। एक महाकाव्य एक शारीरिक कविता के रूप में मंच पर प्रस्तुत हो जाता है, एक बड़ा युद्ध का स्वरूप हमारे सामने एक चित्र में प्रस्तुत हो जाता है। एक महाकाव्य एक कविता के रूप में आता है, एक पूरा युद्ध का वर्णन एक चित्र के रूप में सामने आ जाता है। एक महिला 100 पात्रों को एक साथ साकार करती हुई मंच पर करती है, यही उसका एक अद्भुत योगदान है जो सारे विश्व में सराहा जा रहा है। उनको जो आगे बढ़ाया, उनको सम्मान मिला और वो हम सबको सम्मानित करके गई हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी उनके कार्यक्रम कराए थे, जब बापूजी का कार्यक्रम हो रहा था हमने बहुत पहले उन्हें अपने गांव में अपने क्षेत्रों में ले जाकर दिखाया। वो एक तरह की ऐसी चरित्र हैं जिसे लोग देखने को तरसते हैं, छूने को तरसते हैं, सुनने को तरसते हैं, और इस तरह की जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ एकाधी है। मैं उनके सफल जीवन के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खड़े रहे सब राजा महाराजा कहे बाप रे बाप। आओ भाई, द्रौपदी के बरन देखने के लिए यह समय कोई सामने में आ जाए एक भी नहीं बचे। श्री कृष्ण कहते द्रौपदी अब ये द्रौपदी आओ भाई, अरे पति के भी तो लाज बचाना जरूरी है। अब चारों तरफ सेना ल देख के द्रौपदी चंदी के तरह रूप धारण करे रहे तो सब सेना कहे जय हो जा देवी दुर्गा। Tejan Bai is glory of India as well, not merely pride of Chhattisgarh. She is pride of our priceless heritage. She is grounded even as she has reached the pinnacle of success and achievements. She is extraordinary and yet so simple. She is a unique tale of struggle of women and victory of women. Tejan is very special while also being ordinary. She is the Pandavani that has conquered the Mahabharata of life. She is pride of Chhattisgarh, pride of India.